Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमें सिखाएगी कि कैसे हम समय की कीमत का अंदाज़ा पहले ही लगा लेना चाहिए, क्योंकि समय निकलने के बाद भी अगर आप कटोरा लेके घूमेंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक सीन देखते हैं जिसमें नौजवान लड़का एक औरत को दूरबीन से देख रहा है। वो दूर बोट से उसके पास ही आ रही है, लेकिन बीच में लहरें काफ़ी ऊपर उठना शुरू हो जाती है जिससे कि बोट टेढ़ी हो जाती है और इसी हड़बड़ी में वो लेडी पानी में गिर जाती है। वो लड़का कौन था और इस दृश्य का क्या मतलब है ये अभी पता लग जाएगा। यहाँ से हम पहुँचते हैं मैक्सी पर, जो कि अपने डैड के साथ मछली पकड़ता है। वो अभी स्कूल में है पर उसके डैड अभी भी उसे इस काम को सिखा रहे हैं ताकि आगे जाकर वो इसे बढ़ा सके। इसी दौरान वहाँ उसे एक स्टेला नाम की औरत दिखाई देती है जिसे देखकर वो पिघलना शुरू हो जाता है और उसकी नज़रें वहाँ से हटी नहीं रही थी। अब उसे क्या चाहिए वो तो वही जानता है। शायद उसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उसे बताए कैसे। बड़ी दुविधा है। स्टेला एक इंग्लिश टीचर है और जिस स्कूल में वो पढ़ता है उसकी वहाँ कुछ दिन पहले अभी ज्वाइनिंग हुई है। उस दिन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। स्टेला भी वहाँ पर होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेती है, एक तरह का फेस्टिवल बोल सकते हैं। अब इसी दौरान दोनों की एक दूसरे से नज़रें मिलती हैं पर किसी के कदम एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ते। ये सब इशारे में बातें हुई थी। कहानी आगे बढ़ती है और रात में टाउन में प्रोग्राम होता है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है और इसमें एक इंसान समुंदर का राक्षस बनता है और फिर अपनी जलपरी को चुनता है। वाह, और आज उसने स्टेला को चुना है, यानी कि वो उसकी जलपरी है। वो उसके साथ डांस करता है लेकिन स्टेला अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए वो उसे छोड़ने को कहती है। लेकिन वो इंसान सच में राक्षस बन चुका था, वो कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर में घुस चुका था और उसकी अश्लीलता सामने आती जा रही थी। और इसलिए मजबूरी में मैक्सी को बीच में आना पड़ता है। वो उसे पंच करके गिरा देता है। हालांकि इसके बाद पूरे टाउन में उसे इस चीज़ को लेकर खरी खोटी सुननी पड़ती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वहीं स्टेला से भी अब लोग दूर होने लगे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये इस टाउन में रहने के काबिल नहीं है। लेकिन इन सब के परे बस उसे एक ही लड़का समझ रहा था और वो था मैक्सी। दोनों रात में पहली बार बात करते हैं जिसमें स्टेला कहती है कि कैसे ये लोग इस गेम को नॉर्मल कहते हैं, मैं तो कभी भी ये गेम नहीं खेलूँगी। मैक्सी भी उसकी हाँ में हाँ भरता है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। लेकिन आज मैक्सी का मन यहाँ से उठने का नहीं है, इसीलिए वो पूरी रात वहीं उसके घर के बाहर ही बैठा रहता है। उसे तो स्टेला के साथ चाहिए था। अब सुबह उसे पता चलता है कि उसका रॉबर्ट नाम के आदमी से कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है। बालकनी पे आने पर स्टेला उसे बाहर बैठा हुआ देखती है तो बाहर आकर उसे रूबरू होने की कोशिश करती है और वजह पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि वो पूरी रात अपने घर ही नहीं गया। अब उसे क्या पता है कि मैक्सी के दिल में वो छा चुकी है, अब उसे रहा नहीं जाता। वो उसे यहाँ से जाने को कहती है पर बाद में उसे बुरा लगता है कि ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। पूरी रात वो बैठा रहा, ऐसे आशिक कहाँ मिलते हैं। इसीलिए वो उसे मिलने के लिए फिर जाती है और माफ़ी मांगती है, देन उसके कामों में हाथ भी बटाती है। उसके बाद मैक्सी उसे एक शॉर्ट राइड पर भी ले जाता है अपनी बोट पर। वहाँ वो खुद के बारे में बताता है कि अभी वो स्कूल में है और उसके डैड एक मछुआरे हैं। वहीं स्टेला बताती है कि वो अभी कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुई है और होटल में रह रही है। उसके डैड यहीं कुछ दूर पर रहते हैं लेकिन वो उनके साथ रहना नहीं चाहती। उनके स्वभाव की वजह से वो दोनों ऐसे ही आपस में बात करते रहते हैं। तभी मैक्सी को एहसास होता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन वो अभी कुछ देर और साथ बिताना चाहता है, इसीलिए वो बोट को चलाता रहता है। और जब तूफान एकदम चरम पर आता है तो उसे कहता है कि वो पास में एक आइलैंड, हमें वहाँ जाना चाहिए जब तक ये तूफान ख़त्म नहीं होता। वो भी मान जाती है, इसीलिए दोनों वहाँ बने एक घर में रुकते हैं और मैक्सी फौरन आग जलाता है। उस दौरान स्टेला उसे ही देख रही थी और उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। वो उसे कुछ इशारे तो दे रही थी लेकिन मैक्सी डर रहा था इस रिश्ते को लेकर। फिर दोनों करीब आ जाते हैं। मैक्सी भी क्या करे, रहा नहीं जाता। वो इंटीमेट होते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि और कुछ देर बाद जब वो वापस टाउन आते हैं तो स्टेला लोगों से उनके बीच जो कुछ भी हुआ उन्हें छुपाने लगती है। पर मैक्सी अब उसे बहुत पसंद करने लगा था, उसे कहीं ना कहीं स्टेला से वो पहली वाली मोहब्बत हो गई थी, या ये कहें कि शिद्दत वाली मोहब्बत। और इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वो उसके साथ कुछ और समय बिता सके। लेकिन उन दोनों के ऊपर मॉर्गन नाम के एक टीचर की नज़र थी। उसे इन पर पूरा शक था कि कहीं कुछ इनके बीच में चल तो नहीं रहा। अब नेक्स्ट डे स्कूल का नया सेशन शुरू होता है। स्टेला को एज ए इंग्लिश टीचर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो भी उसी क्लास में जहाँ मैक्सी पढ़ता है। वो उसे देख कर हैरान था लेकिन स्टेला को उसे अनदेखा कर रही थी, लेकिन कब तक वो ये करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। वो कोशिश करता है कि उसका ध्यान अपनी ओर खींचे लेकिन वो कर नहीं पाता।
अब एक दिन स्कूल के बाहर आते हुए वो उसे मॉर्गन के साथ देख लेता है और ये देखकर उसका खून खौल जाता है। घर जाते टाइम वो बस में भी उसे बात करने की होड़ में लगा रहता है, पर ऐसा हो नहीं पाता और इसीलिए अब सीधा उसी होटल जाने का सोचता है जहां वो रहती है, क्योंकि ऐसे तो कभी बात हो ही नहीं पाएगी। मैक्सी पूरी तरह से तैयार होकर अपने डैड की कार को लेकर रोड के किनारे पर खड़ा हो जाता है और स्टेला का इंतज़ार करने लगता है। हालांकि उसके इंतज़ार की घड़ी में हर एक मिनट कई घंटों के बराबर लग रहे थे, पर वो फिर भी डटा रहता है। प्यार में ताकत जो होती है। और आखिरकार वहाँ स्टेला के कदम पड़ते हैं, वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला तो उसे इग्नोर ही करे जा रही थी, मतलब उसे तड़पा कर छोड़ रही थी। वो तो उसे एक कार में बैठने को कहता है और वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए स्टेला भी उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद मैक्सी उसे उस टाउन से थोड़ी दूर लेकर जाता है। बीच रास्ते में स्टेला उसे कहती है कि उसे मैक्सी से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन वो यहाँ लोगों से डरती है कि कहीं वो उसे टाउन से बाहर ना निकाल दें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उसे ये जॉब मिली है। लेकिन मैक्सी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे हमेशा कहीं दूर ही मिलेगा। दोनों साथ में अच्छा वक्त गुजारते हैं। ऐसे ही करते करते कब वो टाउन से मीलों दूर आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो जब भी उसके साथ रहती है तो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती है और मैक्सी को एक्सेप्ट भी कर लिया था उसने। उधर मैक्सी उसके साथ बिताई हुई कहानियों को सुनकर जिंदगी के बारे में और जानने को उतावला हो रहा था, लेकिन इतने में वहाँ कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जिन्होंने इन दोनों को साथ में देख लिया था। लेकिन स्टेला घबराई नहीं और उनके साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए चली गई। ये चीज़ देखकर मैक्सी भी खुश हो रहा था। उसने अपने अंदर अब स्टेला के साथ हमेशा साथ रहने का सपना देख लिया था। पर सबको पहली मोहब्बत नसीब नहीं होती, ये बात उसे याद रखनी चाहिए। रात में घर आने पर उसके डैड उसे नाखुश दिखते हैं, क्योंकि वो बिना बताए पूरे दिन घर से बाहर था। पर मैक्सी झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्त के साथ था और फिर चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह स्कूल में स्टेला एकदम चिल दिख रही थी। उसके साथ मॉर्गन आकर बताता है कि एक फिशर कम्युनिटी को एक इंग्लिश ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। स्टेला इस चीज़ के लिए मान जाती है, लेकिन ये तो मॉर्गन का एक बहाना था, क्योंकि आखिर में वो बोलता है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुम मैक्सी के साथ घूम रही थी, ऐसा किसी टीचर उसके स्टूडेंट के साथ घूमना ठीक नहीं है। तो स्टेला हंसते हुए जवाब देती है और कहती है चाहे तो तुम उसे पूछ लो, लेकिन ये बात स्टेला को भी पता थी कि ये चीज़ उसके लिए परेशानी ला सकती है। उधर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे मैक्सी का पढ़ाई से ध्यान भटकता शुरू हो जाता है, और ध्यान लगेगा भी कैसे, ध्यान तो कहीं और है। वो बस स्टेला के बारे में ही सोचता रहता है, जिस चीज़ को वो नोटिस भी कर लेती है। अब क्लास में इसीलिए उसे डांट भी लगाती है और सबके सामने बेइज्जत भी करती है, जो चीज़ मैक्सी को पसंद नहीं आती। उधर मॉर्गन मैक्सी के डैड को स्टेला के बारे में बताने में हल्की सी भी देर नहीं करता और जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि उनका बेटा अब खुद की टीचर से प्यार में पड़ गया है, जो बात उन्हें चिंता में डाल देती है। उधर मैक्सी स्टेला से बात करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जिसके बाहर उसके डैड बैठे हुए थे, जिनके बारे में उनसे बहुत ही गलत बातें बताई थी, लेकिन वो बातों से बिल्कुल भी वैसे ही नहीं लग रहे थे। वो मैक्सी को अंदर जाने देते हैं, लेकिन वहाँ स्टेला उसे देख कर खुश नहीं थी। उसका कहना था कि वो किसी लवर की तरह पब्लिक में मिल नहीं सकते और ये बात उसके दिमाग में घुसती क्यों नहीं है। पर मैक्सी तो प्यार में मदहोश है। उसका मानना है कि अब वो उसे प्यार करने लगा है और उसने तो उसके साथ ज़िंदगी बिताने तक का सपना भी देख लिया है। और मैक्सी ने यहाँ एक अलग ही दुनिया बना ली है अपनी। पर स्टेला बड़े होने के नाते फैसला करती है कि उन्हें अब सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन मैक्सी मानने को राज़ी नहीं होता और उसे इमोशनली अटैच होने लगता है, जिससे कि स्टेला भी अपने फैसले पर अड़ी नहीं रह पाती और दोनों फिर से मिलना शुरू कर देते हैं। इस बारी वो और करीब आ जाते हैं और एक दिन जब वो बीच में साथ होते हैं तो स्टेला बताती है कि जब वो छोटी थी तो पानी में कूद कर सिक्के ढूंढने वाला गेम खेला करती थी। जिसको भी वो सिक्का मिलता था वो अपनी एक विश मांगता था। उसे भी एक विश मांगनी थी जो आज तक कभी पूरी नहीं हुई। अब पूरे दिन साथ में बिताने के बाद जब वो घर आने लगते हैं तो वहाँ एक आदमी उन्हें देख लेता है और स्टेला की पड़ोसी भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे एक स्टूडेंट के साथ अफेयर करके खुद के और उसके करियर को ख़राब कर रही है। लेकिन स्टेला का कहना था कि वो उसके साथ खुश है, तो इसमें लोगों को क्या दिक्कत है। वेल, बात भी सही है। उधर घर पर मैक्सी की माँ को भी स्टेला के बारे में पता चल गया था। अपने बेटे को ये बदलाव देखकर वो बहुत खुश होती हैं, जी हाँ, और माँ को अपने बेटे की खुशी चाहिए। लेकिन उसके पिता इस चीज़ से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उसे अपनी नौकरी और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कहीं ना कहीं सही बात भी थी। अगर वो उस लड़की से प्यार भी करता है तो उसे इस रिश्ते को छुपा कर रखना होगा। अगले दिन उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में दुनिया भर के सभी लोग आए हुए थे। वहीं स्टेला मैक्सी को भी अंदर आने को बोलती है। वो उसके साथ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसकी इंग्लिश को सुनकर सभी उसका मजाक बनाते हैं। हालांकि उसे फिशिंग की अच्छी जानकारी है, लेकिन अंग्रेजी ने उसके हुनर को दबा दिया।
अपनी ऐसी बेइज्जती देखकर वो वहां से चला जाता है और घर जाकर अपने माता पिता से कहने लगता है कि उसे अब उस घर में कुछ दिन बिताने हैं जहां वो स्टेला के साथ समय बिताया करता है ताकि वो कुछ सीख सके। लेकिन उसके माता पिता इस बात से खुश नहीं थे। वो पहले खुद के पैरों पर तो खड़ा हो जाए उसके बाद ये सब सोचे, पर मैक्सी को कौन समझाएगा ये सब, उसके सर पर प्यार का जुनून सवार है। अगले दिन यही बात वो स्टेला को भी बताने गया था, पर उसे एक और झटका लगता है। वो असल में कुछ महीनों के लिए डेनमार्क जा रही है, जो चीज़ मैक्सी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उसके साथ नहीं जा सकता। वो चाहता तो था कि उसे अपनी दिल की बात कह दे, लेकिन उस दिन भी वो नाकाम रह गया। अब घर आने पर वो अपने माता पिता की बात सुन लेता है, जिसे उसे एहसास हो जाता है कि वो नहीं चाहते कि वो कभी भी स्टेला के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन मैक्सी ने तो ठान लिया था वो बहुत मेहनत करता और फिर कुछ ही महीनों में उस घर को खरीद लेता है जहाँ पर वो और स्टेला साथ में समय बिताया करते थे। लेकिन घर दीवारों से नहीं बल्कि लोगों से बनता है। हर दिन उसे स्टेला की याद सता रही थी, उसे किसी भी तरह करके उसे अपने दिल की बात करनी है और आगे हमेशा साथ रहना है। यही बात वो लेटर में लिख कर देता है और जल्दी वापस आने को कहता है। धीरे धीरे समय का पहिया फिर से घूमना शुरू हो गया था। आखिर में स्टेला वहाँ से लौट आती है, पर मैक्सी के लिए तो आज समय रुक सा गया है क्योंकि जिस सीन को हम कहानी की शुरुआत में आपको बताए थे वो इसी समय का था। हम देखते हैं कि स्टेला के साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो जाता है। समुंदर में वो गिर जाने की वजह से उसके सर में गहरी चोट आती है और फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर मैक्सी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब क्या हो गया अचानक से। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। उसके दिल में अब स्टेला को खोने का डर सताने लगा था क्योंकि कहीं से भी उसे कोई खबर नहीं मिल रही थी। वो दिन रात ही बस ऐसे ही गुमनाम बैठा रहता है, पर फिर क्लास के प्रिंसिपल आते हैं और एक दिन और सभी को बताते हैं कि उनकी टीचर को होश आ गया, जिसको मिलना है वो उनसे हमारे साथ चले। सभी बच्चे जाते हैं जिनमें मैक्सी भी होता है। उसे उम्मीद थी कि स्टेला अब ठीक हो गई होगी, लेकिन वहाँ जाकर जब उसकी हालत देखता है तो उसे देखा नहीं जाता। वो ज़रा सा भी हिल नहीं पा रही थी, बस उसे होश आया था। सभी बच्चे उसके लिए इंग्लिश पोएम लिखकर लाए थे और सुना रहे थे, पर स्टेला की नज़र तो मैक्सी पर थी जो चुपचाप वहाँ अकेले खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, पर अफसोस कि वो उसे गले तक नहीं लगा सकता, ये कैसी मजबूरी है। वल बाहर आने पर प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि जिस दिन स्टेला स्कूल दोबारा से ज्वाइन कर लेगी उस दिन तुम इस स्कूल को छोड़ देना क्योंकि तुम दोनों के बारे में सभी को पता चल गया है। अब किस किस दुख से वो गुजरेगा अभी उसकी उम्र ही क्या है। मायूस होकर मैक्सी घर आ जाता है जहाँ उसकी बहन उसे एक मार्बल दिखाती है जिसमें दो कीड़े आपस में मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। अब इसको देखकर उसकी बहन को लगता है कि शायद इंसान मौत के बाद एक साथ हो जाते हैं। तभी उसे स्टेला का ख्याल आता है और रूम जाकर वो उसकी फोटो को देखकर रोने लगता है और वैसे ही रोते रोते सो जाता है। पर उस रात उसे एक सपना आता है जिसमें वो सामने वही हादसा होते हुए देखता है, और जब उसने पहली बार स्टेला को देखा था वो भी उसे याद आता है। फिर क्या था, अचानक से उसकी नींद उजड़ जाती है और वो रात में ही भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है स्टेला से मिलने के लिए, पर वो तो अपने बेड पर नहीं थी, वो कहाँ चली गई है। यही बात वो उस नर्स से पूछता है तो उसे पता चलता है कि स्टेला की कल रात मौत हो गई है। और ये सुनते ही मैक्सी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो गया, ये इतना बड़ा पहाड़ उस पर कैसे टूट गया। उसके सारे सपने टूट गए थे और एक चीज से उसे सबसे ज्यादा नफरत होने लगी थी वो उस घर में रखी हर चीज को तोड़ देता है जो शायद कभी जुड़ नहीं सकती उसके दिल की तरह। मैक्सी कई दिन तन्हा उसी घर में रहता है, लेकिन फिर भी एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर वो उसके पिता से मिलने जाता है। उन्होंने उसे एक स्टेला की लिखी हुई चिट्ठी और बताया और बताते हैं कि उसकी आशेस समुंदर में बहाई जाएंगी। मैक्सी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीते जी वो स्टेला के फ्यूनरल में होगा, पर यही सच है और इसको मानना ही पड़ेगा। उसकी आशीष को देखने के लिए वो समुंदर में जाता है जहां वो उस लेटर को खोलता है जिसमें लिखा था कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है, उसका प्यार लहरों की तरह है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन कभी उसका प्यार उसके लिए खत्म नहीं होगा। इधर मैक्सी भी बहुत अफसोस करता है कि वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, जिस बात से उसे हमेशा गम रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि कौन सा समय आखिरी हो हमें नहीं पता होता, इसीलिए जो आपके दिल में है जिसे आप कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। हम देख पाते हैं कि वो अभी भी उसी घर में रहता है उसी फोटो एल्बम के साथ उसी लेटर के साथ, क्योंकि कुछ रहे ना रहे वीरानियाँ तो रह गई, तुम चले गए तो क्या हुआ, वीरानियाँ तो रह गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।